अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है फिज़ा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पाकीज़ लाइफ इन कनाडा। पाकीज़ स्टैंड फॉर पाकिस्तानीज। आई होप आप लोग समझ गए होंगे पाकिस्तानीज़ लाइफ इन कनाडा, बट शॉर्ट में मैंने पाकीज़ रखा है। तो आज हो रही है जी एक और दावत की तैयारी। एक और दावत मैंने इसलिए बोला क्योंकि इससे पहले मैंने ईद वाले दिन एक दावत की थी, उसका व्लॉग भी अपने चैनल पर डाला है। एंड आज अब वीकेंड आ गया है, संडे का दिन है, तो हम लोगों ने कुछ और गेस्ट को अपने घर पे इनवाइट किया है। एक्चुअली यहाँ पे ईद थी वेनसडे को और ईद की छुट्टी तो होती नहीं है कनाडा में, तो हस्बैंड ने खुद ही छुट्टी ली थी, तो एक ही दिन की छुट्टी ली थी। और फिर उसके बाद जो गेस्ट रह गए थे उनको फिर हमने वीकेंड पर इन्वाइट करा है। तो अभी बस मैं बना रही हूँ निहार। एंड निहारी बनाना बहुत ही आसान है, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना होता, ये खुद ही बनती है, आपने बस स्टार्टिंग में रखना होता है समझे। तो अब बस मैं यहाँ पे निहारी रख दूँगी। और मैंने ये तैयारी सारी स्टार्ट की थी फजर के बाद से, फजर की नमाज़ पढ़ के मैं नीचे आ गई थी और मैंने बस तैयारी स्टार्ट कर दी थी। मैं सोई नहीं थी क्योंकि मुझे बहुत टेंशन थी। तो बस निहारी मैंने रख दी है और अब मैं बना रही हूँ फ्रूट ट्राइफल। उसके लिए मैंने दूध में जो है वो 4 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर डाल के जो है वो मिक्स कर दूँगी ताकि इसकी कंसिस्टेंसी हो जाए। यहाँ पे मैं जेली बनाने के लिए मैंने गर्म पानी 2 बॉल्स में डाला है। यहाँ पे मेरे पास 2 फ्लेवर्स की जेलीज हैं, एक बनाना है एक ऑरेंज है, दोनों को मैंने डाल के रख दिया है ताकि अब ये थिक हो जाए। इसको मैं छोड़ दूँगी। एंड यहाँ पे बस निहारी जब अच्छा खासा गोश्त गल गया था तो मैंने आटा और मिक्स करके जो है पानी में वो डाल दिया है। निहारी बनाना बहुत ही इजी होता है एंड लेकिन इसको पकने के लिए टाइम चाहिए एटलीस्ट 3 घंटे, तो इसलिए मैंने फजर से ही शुरू कर दिया था ताकि क्योंकि गेस्ट को आना था लंच पे। एंड अभी जो आपने प्याज देखा था वो निहारी बनने के बाद मैंने उस प्याज से निहारी को भगाड़ दिया था। यहाँ पे जो कस्टर्ड बन के ठंडा हो गया था उसे मैंने कस्टर्ड में फ्रूट्स कट करके और उसके अंदर थोड़ा सा मैंने कस्टर्ड का मिक्सचर डाल के इसको मिक्स करके अलग से रख लिया है क्योंकि इसमें बहुत स्टेप बाय स्टेप काम होता है फ्रूट ट्राइफल में। तो अब मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी सेटिंग करूँगी। ये एक फ्रूट कॉकटेल का टिन मैं लेकर आई थी वॉलमार्ट से। यहाँ पे कुछ केक्स हैं। अच्छा, अब इसको फ्रूट ट्राइफल भी कह लें और ये कस्टर्ड की तरह ही होता है बस। और बस इसमें 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, फ्रूट क्रीम और थिक वाली क्रीम डलती है एंड फ्रूट्स डल जाते हैं थोड़े से एक्स्ट्रा। मैंने ज़्यादा फ्रूट्स इसमें नहीं डाले, वरना स्ट्रॉबेरी वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं, ग्रेप्स ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस यहाँ पे मैंने जो है ना शुगर सिरप डाला है केक के ऊपर, उसके ऊपर जो पहले सिंपल वाला कस्टर्ड का बैटर था मैंने वो स्प्रेड कर दिया इवनली। एंड इसके बाद मैं फ्रूट वाला जो मैंने बैटर बनाया था वो सारा मैं इस पर स्प्रेड कर दूंगी। बहुत मज़े का बना था इसको। आप अगर गेस्ट के लिए बना रहे हैं तो कम से कम 4 घंटे पहले बना के रख लें ताकि अच्छा अच्छी तरह से जो ना वो ठंडा हो जाए, तभी इसका मज़ा आएगा। फ्रूट वाला पूरा बैटर मैंने इस पर स्प्रेड कर लिया है। उसके बाद मैं ये जो फ्रूट कॉकटेल का टिन लेकर आई थी ये मैंने जो है स्प्रेड कर दिया है। और अब ये नॉर्मल जो फ्रेश क्रीम होती है मिल्क क्रीम थिक वाली, मेरे पास तो कोई अरबी ब्रांड था लेकिन ऑलपर्स की भी आती है, नेस्ले की भी आती है, बहुत सारे ब्रांड्स की आती है, आप कोई भी ले सकते हैं। इसको मैंने बीटर से ना थोड़ा सा और थिक कर लिया है और अब मैं इस पर स्प्रेड करूँगी। उससे पहले मैंने जेलीज बनाई थी वो मैंने डाल दी। अच्छा, यहाँ पे देखें मेरी जो ये वाली ऑरेंज वाली जेली थी वो सही से जमी नहीं थी, उसने सारी प्रेजेंटेशन ख़राब कर दी। टेस्ट पर तो कोई फ़र्क नहीं आया था लेकिन प्रेजेंटेशन ख़राब हो गई थी। ग्रीन वाली जेली बिल्कुल सही थी और मैंने ऑरेंज वाली फ्रिज में भी रखी थी कि ये इसकी कंसिस्टेंसी सही हो जाए, लेकिन वो नहीं हुई। तो मैंने जितना निकाल सकती थी वापस मैंने निकाल ली उसको, बट ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रेजेंटेशन ख़राब हो गई थी। खैर, बट टेस्ट बहुत अच्छा था। अच्छा, मैंने फ्रेश क्रीम भी इवनली स्प्रेड कर दी थी और अब जितना कस्टर्ड का मिक्सचर बचा था ना वो सारा स्प्रेड कर दिया था मैंने। और अब इसकी फाइनल लुक मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। उससे पहले जो थी मैं आ गई थी ये सब करके, बच्चों को मैंने तीनों को बारी बारी जो है वो शॉवर दे दिया था, इनको रेडी कर दिया था ताकि मेहमान आए गेस्ट आए तो ये लोग बच्चे रेडी हों, हम सब लोग रेडी हों, सारा काम हो चुका हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमजा और इब्राहिम ने आज ट्विनिंग करी है, दोनों ने सेम ड्रेस पहने और इब्राहिम को मैंने काफ़ी टाइम बाद आज रोमपर पहनाया है। और हमजा तो जब से पैदा हुआ है यहाँ पे रोमपर्स ही कॉमन है फैशन में, बच्चों के लिए तो रोमपर्स ही पहनता है मोस्टली। अब बस मैंने यहाँ पे जो है ना थोड़ी बहुत चीज़ें देखनी होती हैं। सफाई तो रात में ही अच्छी तरह डीप क्लीनिंग कर ली थी, बस मॉर्निंग में जो है गेस्ट के आने से पहले छोटी मोटी चीज़ें देखनी होती हैं कि हर चीज़ रेडी है। जैसे ये टिश्यू बॉक्स आपने डाइनिंग टेबल पर रखना होता है और जो हमारे गेस्ट के लिए बर्तन वगैरह हैं स्पून प्लेट्स वो सब कुछ मैंने वॉश करके उनको ड्राई करके
वो सब चीज़ें टेबल पर रख दी थी, पानी के ग्लास वगैरह वॉश कर दिए थे, पानी भर के रख दिया था। ये ईद मुबारक जो मैंने डेकोरेट किया, इसकी लाइट्स ऑन कर दी थी, डाइनिंग टेबल के मैट्स वगैरह बिल्कुल एक प्लेस मतलब सेट कर दिए थे ताकि ये बिखरा हुआ ना लगे। वैक्यूम अच्छी तरह एक बार लास्ट मोमेंट पे मैंने और कर दिया था, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो ये फैलाते रहते हैं। अभी इन लोगों ने पॉपकॉर्न खाए थे, वो सारा कचरा गिरा दिया था, मैंने दोबारा वैक्यूम कर दिया है। निहारी के लिए मैंने सारा मसाला कट करके ऑलरेडी रख दिया है, स्पून्स वगैरह सब निकाल दिए हैं। मैं खुद भी रेडी हो गई थी, मैंने कहा आप लोग अपना ड्रेस दिखा दो। ये मैंने बुनंजा सतरंगी से लिया था, सिंपल सा है, कॉटन वेयर है, क्योंकि जो ईद वेयर वाली जगह थी ना वहाँ पे इतना रश था न्यू कलेक्शन पे, मैंने वहाँ देखा ही नहीं कि वहाँ है क्या, बस एक नज़र हल्का सा देखा था। तो बस मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने निहारी बनाई है, इसका मसाला है एंड फ्रूट ट्राइफल ठंडा हो गया अच्छी तरह से, ये सब कुछ मैंने सेट कर दिया है। और ये है चिकन कढ़ाई जो मेरे हस्बैंड ने बनाई है, बहुत मज़े की बनाई थी और बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं वो। और ये देखें फ्रूट ट्राइफल है, ये है चिकन कढ़ाई निहारी एंड कुछ फ्रूट ट्राइफल और कुछ वो थे चिकन के विंग्स थे जो मैंने हम लोगों ने इस टाइम ओवन में रखे हुए थे कि वो अच्छे से बेक हो जाए। एंड ये वाली वीडियो के क्लिप्स गेस्ट के आने के बाद हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बिरयानी है वो हमारे गेस्ट लेकर आए थे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, उनको मना भी किया था, बट दे आर वेरी नाइस। तो बस ये था ईद दावत का व्लॉग, होप आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच, देन अल्लाह हाफिज़।